केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में कहा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हमारा विजन ये है कि देश के हर कोने से लोगों को अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आना पड़े। जिस तरह से दिल्ली में एम्स की सेवा है, उसी ब्रांड नाम के साथ एम्स वहां पर भी खड़ी हो। पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बेहतरीन तृतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ देश के हर क्षेत्र में 17 से अधिक एम्स खोलने का प्रयास किया है। 1960 से लेकर 70 के दशक में हमारे सबसे बेहतरीन डॉक्टर कहते थे कि हमारे देश में वो सुविधा नहीं जिसके लिए हम बाहर जा रहे हैं, और आज पीएम मोदी ने 22 विश्व स्तरीय संस्थान बनाए हैं। कंसर्न को ध्यान में रखता हूं, लेकिन मैं उनके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से सबको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की हमारी कल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। हमारी परिकल्पना है, और वह बहुत हद तक पूरी भी हुई है, कि हम देश के कोने कोने से लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आए, और उनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जिस तरीके से सेवा होती है, वैसे ही ब्रांड नेम के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां खड़ी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधि के दौरान 17+ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश के हरेक क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। एक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, विथ वर्ल्ड्स बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्ल्ड बेस्ट। अब तीसरी बात कि ये जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं, और मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 50s में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आ गया था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिकॉग्निशन 70s और 80s में जाकर के हुई। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्रिएटेड इन वन डे। और मैं सबको बोलता हूं, क्या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं? अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है, उनके बराबर के स्टैंडर्ड्स किसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 24/7 365 दे आर देयर इन द कैंपस सर्विंग द पेशेंट। The अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर पर पेशेंट इज वेरी डिफरेंट, इट डज नॉट मैच विथ एनी अदर इंस्टीट्यूशन। अब इसमें होता क्या है, मैं एज स्वास्थ्य मंत्री बोलता हूँ आपको, कि जब हम कैटेगरी उठा करके देखते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास किसी फैकल्टी को अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने 10 पोस्ट के लिए इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में 50 लोग आए, 160 लोग आए, इंटरव्यू के रिजल्ट कैसे आते हैं? नॉट फाउंड फिट। हम दोबारा इंटरव्यू करते हैं, लेकिन हम एम्स के स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उसी पर रखना है। इसलिए देखिए, निशिकांत जी उस दिन बहुत खुश हुए थे जिस दिन देवघर को ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला था। मैं उनकी चिंता व्यक्त करता हूं, और आप सब लोगों को, आप कोई भटिंडा के बारे में पूछेगा, कोई बिलासपुर के बारे में पूछेगा, सब जगह यही समस्या है। हमने तय कर रखा है, फैकल्टी विल ग्रो, इट विल टेक 10-15 ईयर्स टू बिकम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैकल्टी ऑफ एवरी ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। इसलिए देश का आज से 60 के दशक में, अध्यक्ष महोदय आपका समय लेकर के मैं सबको एनलाइटन करना चाहता हूँ, 60s और 70s में हमारा बेस्ट डॉक्टर बोलता था, वी डू नॉट हैव द फैसिलिटी इन द कंट्री, एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग आउटसाइड। एंड टूडे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज क्रिएटेड 22 इंस्टीट्यूशंस विद आर वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, और इसलिए अब इसको भरना, हार्डवेयर इज देयर, वी आर ट्राइंग टू पुट सॉफ्टवेयर इनटू इट टू द बेस्ट पॉसिबल, द मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर डालने का प्रयास हो रहा है।